है मन लग रहा है काम करने में? मन नहीं लग रहा तो क्या करेगा, काम तो करना पड़ेगा। कैसे हट कर। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंच ब्लॉग्स में। फिर आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं आप लोगों के बीच, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। तो आज हम चलने वाले अपने खेत में, क्योंकि आज जो मेरे खेत में मक्का का कटाई हो रहा है, तो आज हम चलने वाले हैं वहाँ, दिखाएंगे कि कैसे मक्का का कटाई होता है। तो देखिए, ये मेरा गाँव है, मैं सबसे पहले दिखा, तो ये मेरा गाँव, अभी मैं अभी घर से बाहर हूँ, ये मेरा गाँव है, इधर मेरा गाँव है। ये देखिए, इधर लोग मक्के की खेती करते हैं, अभी गेहूँ का कटाई हो चुका है। ये मेरे गांव का ईदगाह है, यहीं पे ईद की नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो और एक चीज़ बताते हैं, ये है, ये रोड है, रोड के उस पार बंगाल है, इस पार बिहार है। तो अभी हम लोग बिहार में हैं और उधर वेस्ट बंगाल है। तो हम चलते हैं अपना खेत और आपको हम दिखाएंगे वहाँ पे, तो मेरे साथ बने रहिए। तो अभी हम खेत पहुंच चुके हैं, ये जो है अभी इसका कटाई नहीं हो रहा है, उधर कटाई हो रहा है, उधर वो वाला खेत में अभी। ये देखिए, इसका भी कटाई होने वाला है, इसका भी कटाई हो जाएगा कल तक हो जाना चाहिए। ये भी रहा हमारा खेत, इसमें भी मक्का की खेती की है। उसके बाद चलते हैं जहाँ अभी कटाई हो रहा है, वहाँ पर चलते लेके। ये रहा वो खेत जिसमें हो रही है अभी मक्के की कटाई, देख सकते हैं लोग यहाँ पर काट रहे हैं। दिखाता हूँ, ये इस तरह के होते हैं। इसके बाद इसको सुखाया जाता है, उनके बाद फिर इसको मला जाता है। देखिए कैसे काटते हैं इसको, ये देख सकते हैं, तो हाथ से ही तोड़ता है। चले हम भी कोशिश करते हैं कुछ तोड़ने का। ये खाने में अच्छा होगा यार, क्योंकि ये अभी पका नहीं है। इसको आराम से खा सकते हैं। ये मेरी छोटी बहन महवेश, इधर इधर। ये जो होता है ना, इसका जलावन बहुत अच्छा होता है, इससे खाना बनाने में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा ताप होता है इससे। तो जो यहाँ के लोग होते हैं ना, देखिए लेके जा रहे हैं, इन लोग में क्या सिस्टम है कि जो मतलब काट के देंगे उसके बाद वो जलावन लेके जाएंगे। इसमें से कई जन भी होते हैं जो स्पेशली उन लोग बस काटने के लिए होते हैं। तो ये है ट्रैक्टर, इसी में भर के लेके जाएंगे अपने घर, उसके बाद वहाँ जाके सूखने देंगे, उसके बाद फिर होगी इनकी मलाई। क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, है? मन लग रहा है काम करने में? मन नहीं लग रहा तो क्या करेगा, काम तो करना पड़ेगा। कैसे हट कर लिया? वो तो कोई बात नहीं, मेरा भी पैर कट गया अभी। उस दिन में अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उनके बाद जो ट्रॉली है इसमें पूरा अच्छे तरह से भर लेंगे इसको, उनके बाद फिर घर लेके चलेंगे कहीं अच्छा सा जगह में इसको रखना है, उनके बाद फिर इसको धूप में भी रखना है। जैसे सूख जाएंगे तो इसको मलने में बहुत ही आसान होगा। फिर आपको हम दिखाएंगे आगे भी कैसे भी मला जाता है इसको, कैसे कैसे निकाला जाता है। तो फिर मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, कंटिन्यू देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। एक बात है कि अगर आप मक्के की खेती कर रहे हो ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन मेहनत भी बहुत लगता है इसमें। इसमें आपको शुरुआती में आपको बहुत ही खर्च करना पड़ता है, इसके पीछे बहुत ही लागत है, इसमें बहुत अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ता है। तो ये तो मेरे घर वाले कर लेते हैं किसी भी तरह, एक बहुत ही अच्छा मतलब बोले ना, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इसी में। अगर
से ज़्यादा अगर खेती में प्रॉफिट है ना इस पे, तो मेरे गांव में भी लगभग बहुत सारे लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इस बार पता नहीं इसका क्या, अभी इसका रेट तो फाइनल नहीं हुआ है, अभी लोग ले नहीं रहे हैं इसको क्योंकि अभी लोगों को ज़रूरत नहीं है, लोग लेके नहीं जा रहे हैं इसको, तो शायद अभी घर में इसको समेट के रखना है, उनके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। एक बार अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, आपके गांव के लोग मक्का की खेती करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और कैसा मेहनत करना पड़ता है, वहाँ के लोग कितने मेहनत करते हैं। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि गांव में लोग जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा खेती पे ही निर्भर रहते हैं, सबसे ज़्यादा। आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक है यहाँ पे खेती, देख सकते हैं बहुत दूर तक। अभी तो गेहूं का कटाई हो गया है, उसके बाद लोग पाट लगाने लगेंगे, उसमें भी मेहनत है। तो एक किसान को ना बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इसमें बहुत ही खर्च है। तो जब तक के लिए खेत को मैं बोलता हूँ बाय, अब नेक्स्ट ईयर आएंगे फिर मक्का का खेती के लिए, जब इसको लेने के लिए आएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्किप मत करना, तो अभी भी घर लेके जाते हैं फिर। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. तो अभी मक्का तो घर में आ गया है, उनके बाद इसका मलना होगा, उसके बाद मल के फिर इसको सुखाया जाएगा, तो देखिए इस वीडियो में कैसे मला जाता है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. तो इसी तरह मक्का को मला जाता है, उसके बाद फिर इसको क्या करना पड़ता है, इसको सुखाना पड़ता है धूप में, लगभग 3 या 4 दिन तक इसको सुखाना पड़ता है। अगर ये सूख जाए अच्छी तरह से तो इसको आप अच्छे से बेच सकते हैं, इसका दाम अच्छा होने लगता है। तो अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।